ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ हॉगवर्ट्स लेगेसी। मैं हूं आपका दोस्त श्रेयस और मैं कर रहा हूं यहां पे हॉगवर्ट्स लेगेसी का अगला एपिसोड, जहां से हमने उठाया इनविजिबिलिटी पोशन, उसको वापस दे देते हैं बनने के लिए। और काफ़ी सारा कुछ हम लोग यहां पे बना रहे हैं गाइस। इस वक्त तो कोई अनआइडेंटिफाइड गेयर नहीं है। पिछले बार आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने अपने जो भी मैं पहना हुआ हूं इस गेम में, उस हर एक चीज़ को यहां से मैंने अपग्रेड कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेस्ट्स की तरफ, क्योंकि हमारे लिए नए क्वेस्ट्स खुल गए हैं, नए क्वेस्ट्स आ गए हैं। और पॉपी से हमको मिलना है और फाइंडिंग फोकस, ये सारी चीज़ें हैं। और जो मेन क्वेस्ट है हमारा, जो मेन स्टोरी क्वेस्ट है, वो है लॉर्ड गॉग्स लॉयल्टी। तो क्या लॉर्ड गॉग हमारे साथ लॉयल है क्या, वो हमको देखना है। तो वहाँ जाने से पहले मैं ये छोटे वाले क्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो सेंटोर एंड द स्टोन, आई गेस बस जाके उनसे बात करनी है। 5-10 मिनट की बात है। और देखिए हमको कहाँ लेके जा रहा है, ये क्या हो गया, ये मैंने शायद लगाया होगा पिछले वाले एपिसोड में, हम लोगों ने ये लगाए थे, उसको हटा देते हैं। और जी हाँ, यहाँ पे हमको बुलाया गया है, यहाँ पे हमको पॉपी ने बुलाया है। और इसी के आसपास की एक फ्लू फ्लेम हम लोगों ने पहले ही बना करके रखी है, तो हम लोग वहाँ ट्रेवल कर लेते हैं फ्लू फ्लेम में और फिर आगे हम लोग जाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक बड़ा चेस्ट तो दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका लॉक भी है। क्या ये लॉक लेवल 1 का है, लेवल 2 का लॉक है यार, इसको नहीं कुछ कर सकते। यहाँ पे छोटे मोटे ये वाले एरिया में अपने काफ़ी सारे मिशंस भी दिख रहे हैं, और हमारे पास अगर कुछ है तो इसको पहले ही भेज देते हम लोग। Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Katrin running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me, us, but I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prized family heirloom, sister or no. तो इसी बहन ने इसको लूट लिया। क्या था heirloom, क्या था वो? A necklace belonged to the first of that. अच्छा necklace था, ओके ठीक है, देख लेंगे। The thief, sir. You? Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer singer or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. What do you have to say? चीजें बता इसके पास में। ओके ओके गाइज, ये भी यहाँ एक ग्रैफॉन हॉर्न हमको एक चाहिए ही था वैसे भी, यहाँ से मिल गया तो अच्छी बात है। यूनिकॉर्न तो हमारे पास में ही है, थेस्ट्रॉल भी हमारे पास में है, टोरवर्ड्स भी है, पफस्किन भी है, नीजल भी है, मूनकाफ भी है, ये भी है, फिनिक्स भी है, जबरनॉल भी है, हिपोग्रिफ भी है, फूपर और डेरिकॉल, हमारे पास सब कुछ है। ओके, इसको हमको अभी बेचना है। तो अब हमारे पास वो सब कुछ हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं अच्छी चीज़ें, तो जो भी पर्पल है वो हम पूरा डिस्कार्ड कर देते गाइस, कोई ज़रूरत नहीं है पर्पल को रख के। वैसे भी वो सब कुछ उसका जो एक्चुअल उसके ट्रेड्स है वो कम ही है जो हम लोग पहने उसे, और हम लोग अपने पास में सिर्फ 3-4 आइटम रखे हुए हैं जो कि एक्चुअल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाले आइटम्स है, वही हमने रखे हैं। कलेक्शन फाउंड, अच्छा वो एक बहुत बड़ा जानवर है ग्रेफॉन का। तो जो क्वेस्ट है थीफ इन द नाइट, ओके गोल्ड मिलेगा और अपीयरेंस मिलेगा, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन हमको जाना है पॉपी से मिलने, पॉपी से मिलने जाना है। ओके और यहाँ पे भी एक ये तो नीचे है कहीं, तो भी अंदर है, और ये है लेवल 1 का लॉक जो हम खोल सकते हैं। ओके गाइस, ये यहाँ पे हिल रहा है, अब रेड को घुमाता हूँ मैं, देखते हैं रेड कहाँ हिलता है, यहाँ हिल रहा है और दोनों के दोनों। हम चोरी करना है तो कुछ खा भी लेंगे साथ ही साथ। ये रहा हमारा बॉक्स,
और क्यों ना इसमें हम, अरे यार ये क्या पेंटिंग पोंटिंग मिलता रहता है, अच्छी चीज मिलने को ना, 40 रुपए के लिए इतना झंझट नहीं पुराता है भाई। इस घर में और कुछ नहीं बचा अभी, अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम लोग चलते हैं हमारे अगले मिशन की तरफ में। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिखता है गाइस, यहाँ पे है एक छोटा सा I know what that means. मर्लिन Merlin ट्राइब, trial. तो इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और वहां पे मुझे तितलियां दिख रही है, इसका मतलब है कि Rebellion. मर्लिन ट्रायल वो तितली वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। ओके ये तो आग वाला है मर्लिन ट्रायल, एक ये है, दूसरा कहाँ है, मुझे दूसरा भी ढूंढना पड़ेगा ना। Rebellion. एक यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है, ये दो हो गए, तीसरा वहां पे है। ओके जैसे मैं Confringo. एक अरे यार बीच में आ गया, एक दो Confringo. यहाँ नहीं मार रहा, अरे यार अंदर चला गया। फिर से हम लोग ट्राई कर देगा इस, मैं देखो यहाँ पे ये मार सकता हूँ, एक नहीं इतनी दूर से नहीं, यहाँ से मार सकता हूँ, उसके बाद वहाँ जाऊँगा और उसके बाद वहाँ जाऊँगा, ठीक है। या फिर यहाँ से शुरुआत करता हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला है। कन्फ्रिंगो, अबे Not so हुआ tricky हुआ हुआ after all, हुआ, Merlin. ओके 7 हो चुके हैं, 10 करने पे हमारे अगले स्लॉट्स खुल जाएंगे। तीन जगह पे आग लगानी थी हमको टाइम लिमिट के अंदर, और रास्ते में था इसलिए हम लोगों ने ये Rebellion. मर्लिन ट्रायल कर लिए। तो Mysterious and a bit unsettling. What to do? ची कहाँ उतारी इसने हम, अबे ये कहाँ लेकर आई है ये थोड़ी सी अजीब लड़की है यार ये पॉपी। I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. हमको चलते हैं हम लोग केव के अंदर गाइस। मूनस्टोन गार्डन, क्योंकि हमको एक अलग तरीके का मूनस्टोन ढूंढना है, जैसे कि हमको सेंटोर ने बताया था, है ना। You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Revelio. Relevant portion था उसमें, इसको तोड़ देते हैं। Revelio. It's another aggressive one. Capulso. Confringo. Bombarda. Descendo. Expelliarmus. Defendo. What is going on with them? Revelio. Okay. Capulso. से आगे जा सकते हैं।
क्यों ना इसको हम लोग पहले देख ले कि और क्या क्या है यहाँ पे। ये तो काफी अंदर आ गए हम लोग। अरे Foibus, I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Foibus song is said to drive anyone who hears it mad. Okay, तो फिर अगर रास्ता यहाँ से तो पीछे वाला वो देख लेते हम लोग। यहाँ पे जरूर कुछ मिलेगा हमको। Okay, इस पे लगाना रहता है तितली। तितली कहाँ से लाएंगे हम? तितली आती है इससे। लूमोस। फिलहाल तो तितली नहीं है। और यहाँ से ऊपर में एक चेस्ट रखा हुआ है जो कि लेजेंडरी चेस्ट है। तो ऊपर कैसे जाएंगे हम लोग? I don't know. वो चेस्ट तो जरूर चाहिए हमको। यहाँ पे हमको फ्लूपर्स दिखे थे, ये जैसे उड़ते हुए जा रहा है उस तरफ। तो आगे चलते हैं, यहाँ से आगे होगा कुछ और ये घसरने वाला है। नहीं घसना। यहाँ पे भी छोटा मोटा चेस्ट लग रहा है। कहाँ है चेस्ट? इसके पीछे है। If the moon is here and so of Oopus, I wonder if it's being protected. सारे एक्यूस से तो नहीं आया। और राइट, यहाँ पे फिर से उस तरीके का एक पजल आ गया है। इसको खोलने के लिए मुझे कौन सा खींचना पड़ेगा? एक ऊपर वाला सिंबल वाला, नीचे वाला? नीचे वाला तो ये है सिंबल, और ऊपर वाला सिंबल है इस पे। तो पहले ये खींचेंगे और फिर खींचेंगे ये, तो ये खुल जाएगा। इसके पीछे चेस्ट है। चेस्ट में हमको बुक, अरे यार ये क्या पांचेट देता रहता है, बुक केस वगैरह क्या करने का बुक केस का। और यहाँ कुछ सिक्के वगैरह मिल गए तो मिल गए। और ये इसको खोलने के लिए हमको तितलियां लगेंगी, और तितलियां कहाँ है गाइस? दो एक साथ है तो दो तितलियां लगेंगी। We need to find moths for those spinners. ये शायद वहां तितलियां हो सकती है। इसको खोलते हैं तो उधर अपन ये वाला दरवाजा खोलते हैं। पहले ये Lumos. अरे यार ये क्या लग रहा है? और सर्कल वाला वो इस दरवाजे के पीछे क्या है? तितली मिल गई। Lumos. अब उस तितली को लेके जाएंगे और यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और दूसरी तितली Rebellion. इस दरवाजे के पीछे हो सकती है, जिसका नहीं, एक ही दरवाजा खोला। यहाँ पे भी एक दरवाजा है जिसका है वो, और ये ओके। सॉरी, ये दरवाजा खुला। यस, यहाँ पे है तितली। लूमोस। अभी तक खुला नहीं, इसका मतलब इसको यहाँ पे भी तितलियाँ चाहिए। एक तितली यहाँ चाहिए, तो एक तितलियाँ शायद इसके अंदर हो।
Revelio. इसके लिए भी तितली चाहिए है। तितलियां तो अंदर दिख रही है गाइस, मुझे तितली अंदर दिख रही है पानी के अंदर, लेकिन मैं पानी में गिरूंगा तो मर जाऊंगा। क्या मैं तितली को वहां से यहाँ बुला सकता हूँ? क्या वो तितली है क्या? पता नहीं, और कोई रास्ता तो नहीं है। हाँ यार, वो तितली तो लग रही है मुझे, फिर शायद मैं यहाँ से चढ़ पाऊंगा। हाँ आई वॉज राइट गाइस, लेकिन मैं पानी के अंदर अपना जादू नहीं चला सकता हूँ, तो मुझे बहुत केयरफुली जाना पड़ेगा। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। वापस चली गई? नहीं, वो तो यहाँ लग गई दूसरी तितली। Lumos. दूसरी जगह की तितली लेकर आ गए हम लोग, अब देखते क्या होता है। राइट, जल्दी चलो गाइस। हे भगवान, अब यहाँ के लिए तीन तितलियां कहाँ से लाएंगे? अगर इसकी तितली निकाली तो लूमोस। ओके, यहीं से लेकर के यहीं लगा रहे हम गाइस, उस तरफ की तितली। यहाँ पे भी तो एक तितली है। लूमोस। ओके, कर सकते हैं ऐसा। मुझे लगा शायद वो वापस बंद ना हो जाए। एक और तितली चाहिए जो उस तरफ है। ये लड़की खड़ी है सिर्फ, पॉपी कुछ कर नहीं रही, ना मदद कर रही ना कुछ। लूमोस। ये खुल गया। You did it. Revelio. I was hoping we wouldn't have to do this again. Accio. Defender. Incendio. Descendo. Confringo. Bombarda. Defender. Confringo. Descendo. Bombarda. Incendio. Confringo. Defensa. Descendo. Expelliarmus. Confringo. अब मेरे पास में एक कैबेज है और एक वेनेवस टेंटैकुला है। कुछ भी मिल रहा है गाइस। Look where the water is bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. वाटर में बबल आ रहा है, मतलब उसमें हम गोता खा सकते हैं। चलो चलते हैं गाइस अंदर।
और ये हम कहाँ आ गए नहीं पता, आगे चलते हैं स्विमिंग करते हुए। और एक अलग ही जगह पे आ गए हम लोग, केव के काफी अंदर है, बहुत सुंदर सा ट्री है। अब शायद वहीं हमको जाना है। Given what Foopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Depulsa! Very funny. I was just thinking how it's proof that creatures haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. यहाँ से ऊपर चढ़ना है। We found it. ये मूनस्टोन है। Well, we found what we came for. Revelio. We need to bring it to the henge. चलो पॉपी से मिल लेते हैं। पॉपी से क्या बात करनी, कहाँ है पॉपी? पॉपी? Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. तो सेंटोर्स ने जो हमको मूनस्टोन फाइंड करने को बोला था, हमने ढूंढ लिया है। Precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. अब हमारा जाने का समय है, वहाँ चल रहे हैं। Nothing keeps Grandma. Revelio. She set up a cat-a-ruling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect the ones who need it. जल्दी भी नहीं आ रही। ऐसे ऊपर चढ़ना है क्या? यहाँ से भी ऊपर चढ़ना है। और हम लोग यहाँ पहुंच चुके गाइस, और ये पत्थरों के बीच में यहाँ पे इसमें है वो गोले को रखना है। अच्छा ये डांस कर रहे हैं। That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but two mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on high wing or I'd never have spotted it. It was the night I... Well, the night I met high wing, actually I... I'd love to hear about how you and High Wing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them.
felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. क्या बात है? Why didn't you tell me this before? After all our time together. I'm sorry. I thought about it so many times, but I'm ashamed of who my family is. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. तो इस तरीके से हम लोगों ने जो मूनलाइट है वो हम लोगों ने ढूंढ के निकाले और इस वक्त हम लोग हॉगवर्ट्स में पहुंच चुके हैं। क्या बोलता है कौन सा क्वेस्ट अपडेट हुआ है? A thief in the night. Since the thief comes at night, I should look for around Arendelle for clues. Okay. और साथ ही साथ हमारे इन्वेंटरी में और गियर में भी कुछ कुछ ऐड हुआ है. आउटफिट जो है वो उतना कुछ खास नहीं है, ये भी कुछ खास नहीं है. ओके चलो भेज देंगे हम लोग. क्लूज कहाँ से मिलेंगे हमको? क्या इतने दूर है वो फिर वो वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं. Alright, तो ये क्वेस्ट यहाँ खत्म हो चुका है गाइस, जिसमें हम लोगों ने ढूंढा था. तो अगले पार्ट में मिलता हूँ मैं, जिसमें हम लोग और कुछ भी करेंगे. ठीक है. सो ये गाइस नैटी का जो अगर पास में ही होगा तो हम लोग नैटी वाला भी क्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मजा आएगा उसमें भी. क्या है ये? फाइंडिंग फोकस. ग्रेट हॉल में ही है नैटी, तो हम लोग भी पास में ही है. हम लोग जल्दी से चलते हैं नैटी के पास. और यहाँ पे ओके हम लोग ज्यादा ये नहीं कर सकते. और अगर कोई डेमीगॉड स्टैचू दिखता भी हमको आसपास तो वो भी हम लोग ले पाएंगे आई गेस. रिवेलियो में टिंग क्या बजा था पता नहीं. दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं. और यहाँ पे ये तो हम लोग ले चुके हैं. यहाँ पे एक की मिल गई हमको. और ये की कहाँ जा रही है? अरे वहीं से तो आए अभी हम लोग. ओके पूरा रास्ता वापस लेके गई यार ये. नहीं ये तो हमारा ही रास्ता है.
अरे यार ये हमारा ही रास्ता है की ढूंढने हमें की के पीछे जाने के चक्कर में ये रास्ते के पीछे आ गया। मुझे लगा ये की उड़ते हुए रास्ता बना गई, ये रास्ता बनाना ही नहीं चाहिए था मैंने। चलेगी उड़ गई की अभी। रेवेलियो यहाँ आने वाली थी कि इंसेंडियो क्या पता ये क्या है। हम रात को यहाँ घूम रहे हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे सब बच्चे सोए और हम ही है जो घूम रहे इधर। ओके नैटी से तो यही बात करनी है हमको, तो हम लोग यहाँ वेट कर लेते हैं रात भर। नैटी आती है तो उससे बात करते हो, देखते हैं फिर क्या होता है। That's it. Is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. I'm sorry, Natty. I wish there was something I could do to help. You have done plenty. In fact, many of my good days are good because of you. The bad days, however, I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them. Beginning. Thank you for speaking with me. It was very helpful. इनके साथ बात करना ही मिशन होता है। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। मैं आप सबको से मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए बने रहिए। अगर आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इसके बाद के बहुत जल्दी जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, ताकि ये गेम का जो आगे के पार्ट है वो आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखे। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी। गॉड